मेरे साथ कहकर चलो बाबूलाल जी बीजेपी में है, जितनी आश्वस्त कर दिया है कि मैं योगी जी के और मोदी जी के शामिल हो चुके हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत के माननीय राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति जी को दिया गया है, उसको संबंधित हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में तत्काल भेज दिया जाएगा और आप सभी लोगों की जो मांगे हैं उनको वहां तक पहुँचा दिया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, प्रदेश सरकार और के द्वारा लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, किसान संगठन हैं, उनके साथ लगातार संवाद की स्थिति बनाई जाए। उसी क्रम में आज हमारे और डीएम साहब द्वारा जो यहाँ पर किसान संगठन द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा था, उसी में उनसे बहुत ही सकारात्मक माहौल में उनसे बात हुई है। जो भी बातें उनके द्वारा कही गई हैं उनको बड़ी गंभीरता से लिया गया है और उसी के वार्ता के क्रम में उनके द्वारा इस धरने को समाप्त करने का आश्वासन भी दिया गया है। हमें पूर्ण आशा है कि आने वाले दिनों में किसानों के साथ पुलिस और प्रशासन का जो सहयोग है, जो आपस का कोऑर्डिनेशन और बहुत अच्छा होगा और यहाँ की एक जो अच्छी तस्वीर है वहाँ से निकल जाएगी। किसानों के द्वारा यहाँ पर एक धरना कुछ दिनों से लगातार चल रहा था, जिसमें विभिन्न मुद्दों के ऊपर अपनी कुछ डिमांड्स रखी, कुछ क्षेत्रीय थी, कुछ सार्वजनिक मांगे थी और पुलिस विभाग प्रशासन और किसानों से, किसानों के हित से जुड़ी हुई कुछ मांगे थी। उन सभी मांगों के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई और इस चर्चा के बाद, एक सकारात्मक चर्चा और डिस्कशन के बाद इस धरने को किसानों के द्वारा स्थगित कर दिया गया है। इनके द्वारा जो अपनी बात है उसे कहा गया है, उसका ज्ञापन ले लिया गया है और उसका ज्ञापन उच्चतम स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा। किसानों की मांगों को लेकर के सभी पूरे प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ डीएम साहब, एसएसपी साहब और सब लोग थे, सब ने बड़े अच्छे विचार थे अपने मन से। ये बात कही जो भी सकारात्मक रुख उन्होंने अपनाया, जो जायज मांग होंगी वो सब यहाँ के लेवल की यहाँ तय कर दी जाएंगी, जो प्रदेश की होंगी प्रदेश के लिए लिख दिया जाएगा और जो भारत सरकार के लिए होंगी वो भारत सरकार के लिए यहाँ से फॉरवर्ड करके भेज दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन्होंने एक महीने का डीएम साहब ने जो विकास से संबंधित कुछ काम जो बताए ज्ञापन में, उसको पूरा कराने का बिल्कुल, और हमें पूरा विश्वास है, दोनों अधिकारियों से हमारी पहली मुलाकात है मगर जिस तरीके से वार्तालाप हुआ है और उनके बातों से, उनके चेहरा मोहरा से हमें पूरा विश्वास है कि ये काम होंगे, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। क्या आपको शासन के द्वारा प्रतिनिधि और शासन के की लेवल की बात है, हम लोग भी, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे हम भी इन्हीं के खानदान के हैं, हम लोग भी इनका ईमानदारी के साथ सहयोग करेंगे। आप पार्टी की तरफ क्या नहीं, हम आपको भेजा गया? नहीं, शासन की तरफ से नहीं भेजा गया हम लोगों ने, हम तो अपने भाइयों की वजह से और अपने अपनी समस्या को अपनी मानते हुए हम लोग आए हैं और प्रशासन के अधिकारियों ने बड़ी अच्छा आश्वासन दिया और निश्चित तौर पर समाधान होगा। जिलाधीश नए आए हैं, उन्होंने कहा कि हमको मौका चाहिए, हमने सारी मांगे रखी जो स्थानीय है, जो जनपद स्तर की है, जो राष्ट्रीय स्तर की है। तो उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रीय स्तर की मांग है वो तो केंद्र से अलग होगी, उसके लिए हमने पूरे प्रयास किए, 14 दिन पहले बैठे और 9वां दिन आज है। आंदोलन के यही होते हैं और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल दम न लगा रहो, सहयोग न कर रहो स्वास्थ्य, इसलिए अब वो जिलाधिकारी आए तो उनके निवेदन पर आज हम धरने स्थगित करेंगे। हम स्थगित करते हैं और अगर समस्या को समाधान नहीं हुआ, इन्होंने टाइम मांगा है तो टाइम देंगे और नहीं हुआ तो फिर आंदोलन होगा। कौन कौन बैठक में मौजूद रहे आपके साथ में? बैठक में सारे अधिकारी हैं, कप्तान साहब हैं, जिलाधीश हैं, पीडीएम हैं, एसपीआरए हैं और डीसीओ हैं और एसडीएम हैं, जितने भी जरूरत थी अधिकारियों की सब थी, और जिलाधीश और जब कप्तान बैठे तो फिर अधिकारी। पूर्व सांसद आए, उनका भी मतलब ये था कि भाई हम भी सहयोग करेंगे, हम भाजपा में हैं और लोगों से मिलेंगे वहाँ मुख्यमंत्री से, हम भी कोशिश करेंगे जो बड़ी बड़ी मांगें उनसे हम वहाँ से कराएंगे, स्थानीय मांगों को हमारे जिलाधीश और कप्तान साहब हल करेंगे, वो हमारे सहयोग में आएंगे कि भाई हम सहयोग करेंगे पूरा।
स्थगित का कोई टाइम नहीं है, वो बात है कि अभी एक महीना स्थगित करेंगे हम यहाँ, ये हमारी तरफ से।